उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो ट्रक चोरी करने के बाद उसे काट कर कई टुकड़ों में बेच देता है। सीएसपी कोतवाली और टीआई चिमनगंज की टीम ने 12 घंटे में गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक भी जब्त किया है। मामला कुछ इस प्रकार है। 20 जून शनिवार को शाकिर नाम के व्यक्ति ने थाना चिमनगंज मंडी पुलिस को सूचना दी कि आगर रोड पर आकाश पेट्रोल पंप के सामने से उसका ट्रक गायब हो गया। मामले में पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी मनोज कुमार सिंह ने ट्रक चोरी की वारदात के खुलासे के लिए सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी व सीएसपी पल्लवी शुक्ला के नेतृत्व में टीम बनाई। टीम ने सरगर्मी से तहकीकात शुरू की। पुलिस ने तहकीकात में फिरोज खान व समीर से पूछताछ की तो उन्होंने कबूला कि ट्रक उन्होंने ही चोरी किया है, जिसमें उनका एक साथी शाहिद खान भी शामिल है। पुलिस ने फिरोज व समीर के पास से ट्रक जब्त कर लिया है। वही शाहिद अभी फरार है। 112 घंटे के भीतर चोरी की इस वारदात का खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पुलिस की टीम को 5000 का इनाम घोषित किया है। 19 तारीख की रात को एक 12 चक्का ट्रक चोरी गया था। इसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे हुई थी, कल 20 तारीख को। नॉर्मली इस तरह के बड़े वाहन चोरी नहीं होते हैं, ये थोड़ी घटना अजीब थी। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसपी सर के निर्देशन में एक टीम बनाई गई और उसमें टीआई चिमनगंज और सीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में काम कराया गया। इनकी टीम के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया, जिसमें कि जो ट्रक चोरी करने वाले लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और ट्रक को भी जब्त किया गया। चिमनगंज पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जो इसमें काफ़ी घटना कैद कर सकते हैं, तो उन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में कुछ और भी तथ्यों का खुलासा हुआ। उसके बाद उन आरोपियों के माध्यम से ट्रक भी जब्त हुआ, जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर खाली खदानों में, चंद्रवतीगंज के पास की जो खाली खदान है वहाँ पर छुपा दिया गया था। और रात को ये घर आकर आरोपी स्वयं अपने घरों में उपस्थित थे, जिससे कि किसी को शक ना हो कि आरोपियों के द्वारा ये घटना की गई और ये लोग यहाँ से गायब हैं। इसमें एक आरोपी अभी शेष है, 3 आरोपियों ने घटना कायद की है, 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 आरोपी शेष है। और जो शेष आरोपी है उसके ऊपर भी 2000 के इनाम की घोषणा की गई है। और जो बाकी पूरी टीम है जीवनगंज की, उसको 5000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत भी किया गया है कुछ निश्चित महोदय के द्वारा। और जो शेष आरोपी है उसको प्रयास कर रहे हैं कि इसी भी गिरफ्तार किया जाए।